आप देख रहे हैं कुबेर भूमि, मैं हूं आपके साथ हर्षता। जीवनदीप समिति जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में कार्यरत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हैं। पिछले सरकार के समय से चली आ रही इनकी समस्याओं को चुनाव के समय वर्तमान सरकार ने भरपूर मदद का केवल आश्वासन दिया था। सरकारें आई और गई, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड काल में डटे रहे इन कर्मियों को मिला तो केवल झुंझुना। आर्थिक हालात से जूझते ये कर्मी 24 घंटे सेवारत रहे, जिसे सबने देखा, वाहवाही भी हुई, लेकिन सरकारी स्तर पर इन कर्मियों को दिया जाना था वो नहीं दिया गया। पूरा अस्पताल का दारोमदार इन मैदानी कर्मियों पर निर्भर है, बावजूद इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। स्वेपर सफाई से शुरू होकर डेटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड बॉय, आया, धोबी, प्लम्बर सहित पूरा ढांचा ही इनके कंधे पर है। भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेसी समर्थन करते थे, अब कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा का समर्थन ही मिलेगा। सरकारें केवल मामले को टालती हैं, लेकिन इस बार मांगे पूरी करने तक ये कर्मी पीछे नहीं हटेंगे, संकल्पित है। काम धाम छोड़ने का एक ही कारण है कि जितने भी कर्मचारी हमारे 70 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, मतलब 2005 से काम कर रहे हैं, अभी जितने भी कर्मचारी दिख रहे हैं यहाँ पर सबको 4,000 रुपये 6,000 रुपये ही दिया जा रहा है, जबकि कलेक्टर 3 रेट पारित किया हुआ है जिसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, मतलब सभी, मतलब जितने भी कैटेगरी के, मतलब अपने श्रेणी में आते हैं, है ना, उन कर्मचारियों का एक रेट निर्धारित है, उसके बदौलत हम सबका तो ये कहना है कि उसी रेट पे ही सबको पेमेंट दिया जाए, लेकिन 4,000 5,000 6,000 ऐसा कौन सा फिक्स रेट है ये जो दिया जा रहा है, हमारा मांग है। और जो 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उनको तृतीय चतुर्थ श्रेणी में क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनको रेगुलर नियमितकरण क्यों नहीं किया जा रहा है आगे तक? एक्चुअल में क्या है, हम लोग ठान क्या है, या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, सीधी साफ बात। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग एक बार नहीं, करीबन 3 साल से लगातार हम लोग दे रहे हैं और कई वर्षों से भी दे रहे हैं लेटर। इसका किसको ज्ञात नहीं है, प्रशासन को नहीं है कि राजनीतिक तौर पे सभी को नहीं है। जीवनदीप का एक वो रहता है ना, निर्धारित दर रहता है जिसको देना चाहिए, चाहे किसी भी जगह में। और हम लोगों को पहले सफाई में थे, वार्ड आया में लिया गया, हमारा वार्ड आया से डायरेक्ट पद, नाम नाम की जगह पद वद सब हटा दिया गया, और बोलने से बोलते हैं कि आप लोग को नहीं दिया जाएगा पद, तो ये किस बेस में हो सर? और इतने सालों से जब हम आए थे तो 500 रुपये में कर रहे थे यहाँ, अब जाके 6,000 मिल रहा, इतनी महंगाई में 6,000 में तो परिवार नहीं चलता है सर। आज के डेट में हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे सर इतने कम तनख्वाह में? और अधिकारी जाके बोला जाता तो हमारे सामने ये बोलते कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा। कौन अधिकारी काम से निकालने के लिए बोलते हैं? सारे बोलते हैं सर, जिनके पास जाते हैं वो वैसे ही बोलते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। जिनके पास गए हमको यही बोला जाता है, तुम लोग ज्यादा वो करोगे तुमको निकाल दिया जाएगा। किस बेस में सर? जब हॉस्पिटल का स्थिति बद से बदतर था तब हमको लिया गया, तब हमारे से सारा काम लिया गया, करवाया गया। हम लोग के 12,000 काम होता है, हमारा उम्र आधा यही खप गया सर 2005 में, अब हम करें भी तो कहाँ जाएंगे? तो हम अपना सेवाएं दे रहे हैं, अगर इस बीच हमको कुछ हो जाता है हमारे बच्चे हमारे फैमिली कैसे करेंगे? कुछ इसका मतलब वो नहीं है कि जैसे कि कुछ बच्चे लोग को रखा जाए हमारे देश में, जैसे माँ बाप को कुछ हो जा रहा है तो बच्चे लोग को प्राथमिकता दिया जाए नौकरी के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग सर आधे लोग हम लोग ना घर किराए में रहते हैं जहाँ 3,000 4,000 है, हमारा वेतन यहाँ 6,000 है, किसी को 4,000 है, तो हम कैसे अपना पालन पोषण अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना कैसे करेंगे? 6,000 में और 5,000 में तो सर घर नहीं चलता है, आजकल महंगाई में इतना बढ़ गया है।